हेलो मम्मीज़, वेलकम टू माय चैनल मम एंड डैड। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। हमें भी नहीं समझ में आता कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि हमारे लिए भी पूरी नई जर्नी होती है, हमारे लिए भी सब कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। तो हमें समझ नहीं आता है कि हम बच्चा क्यों रो रहा है और हम उसके लिए क्या करें। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच रीज़न और सोल्यूशन बताऊंगी जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन्हीं रीज़नों की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फेज़ में जब बच्चा 3 मंथ का नहीं हो जाता, या स्टार्टिंग में हमारे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस होता है, बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया से आया होता है जहाँ उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी। तो ये रीज़न होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो पहला रीज़न है जिसमें मैंने एक गोल्डन चेकलिस्ट रखी है इन रीज़नों से बच्चे रो सकते हैं। तो पहला है कि डायपर, हो सकता है कि डायपर या नैपी आप जो भी बच्चे को वेयर कर रहे हैं, हो सकता है उससे उसको प्रॉब्लम हो, वो बहुत ज़्यादा वेट हो गई हो, उसने पूप कर ली हो, या फिर टाइट हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डायपर की वजह से बच्चा रोए। तो सबसे पहले अगर बच्चा रोए तो आप उसका डायपर चेक करिए, अगर वो फुल है तो उसे चेंज करिए। दूसरा कारण हो सकता है बच्चों के रोने का, वो है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, वो बहुत स्लीपी फील कर रहे हों। इनिशियल स्टेज में बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, हो सकता है कि उसे वो एटमॉस्फेयर ना मिल रहा हो, बार बार डिस्टर्ब हो रहा हो, जिसकी वजह से उसकी पूरी नींद नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। या फिर जब बच्चे 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक्टिव भी बहुत हो जाते हैं, कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उसकी वजह से वो सो नहीं पाते, या बहुत एक्टिविटी करने की वजह से वो अपने टाइम पे नैप नहीं लेते, उसकी वजह से भी वो रो सकते हैं। तो वो आपको एक ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को नींद तो नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा थक तो नहीं गया है। तीसरा है कि वो बहुत हंग्री फील करे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सेम वही है कि बच्चे इस टाइम पे इतना सोते हैं तो कभी कभी वो फीड भी नहीं करते, हमें उन्हें उठा के फीड करना होता है, और जब वो एकदम से उठते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो आपको वो चेक करना है कि बच्चे को आपको फीड देनी है, अगर उसे भूख लग रही है तो आप उसे बॉटल ऑफ़र करिए, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही है वो करिए, अगर बच्चे ने सॉलिड शुरू कर दिया है तो आप उसे वो टाइम टाइम पे स्नैक्स दीजिए, जिससे कि बच्चा भूख की वजह से रोए ना। तो ये 3 चेकलिस्ट हैं, जब बच्चा रोए तो आप इन्हें ज़रूर चेक करिए। दूसरा कारण हो सकता है क्लोथ्स, अगर हम रॉन्ग चूज़ कर लेते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम बच्चे को ओवर ड्रेस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि ठंड में जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हम भी बहुत कुछ पहन लेते हैं और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा कुछ पहना देते हैं, क्योंकि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, बट हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग उनको ड्रेस कर देते हैं, ड्रेसअप कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए बच्चों को टेम्परेचर सीज़न के हिसाब से कपड़े पहनाइए, लाइट कपड़े पहनाइए, एयरी कपड़े पहनाइए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, वो कपड़े चूज़ करिए। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि बेबी कपड़ों की वजह से रो रहा हो। तीसरा कारण जो है वो बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, जो बच्चे न्यू बॉर्न है और वो रोते हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हो। होता क्या है कि बेबी मदर की जब टमी में होते हैं तो उनकी जो वर्ल्ड होता है, उनकी जो दुनिया होती है, अलग ही होती है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सब कुछ अलग होता है, और उसी हिसाब से बेबी जब इस वर्ल्ड में आता है उसे सब कुछ नया नया लगता है, तो एकदम से उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जब आपका बेबी रोए, स्पेशली न्यू बॉर्न, तो आप क्या करो, आप
पहला ये स्पेशली 5 S हैं जो मैंने आपको बताने वाली हूँ, वो आप कर सकते हो अपने न्यू बेबी के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ। तो फर्स्ट है, आप उसे स्विंग कर सकते हो लाइक इस तरह से। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो, या फिर उसकी कॉट में उसको हिला सकते हो। होता क्या है कि बच्चा मदर की जब टमी में होता है तो वो ऑल टाइम मूवमेंट कर रहा होता है, मदर मूवमेंट कर रही होती है तो उसका भी मूवमेंट हो रहा होता है, तो उसे वही आदत पड़ी होती है। दूसरा, आप उसे कर सकते हो स्वडलिंग, ज़रूर करो उसे, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्विडल करो। स्विडल क्या होता है, आप उसे मतलब यूट्यूब में सर्च कर सकते हो बच्चों को कैसे स्विडलिंग करते हैं। उससे होता क्या है, बच्चा जब मदर की टमी में होता है तो मैंने कहा उसकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो इससे श्रिंक सा रहता है, उसके हाथ पैर ऐसे रहते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा जगह या बहुत ओपन कुछ नहीं मिलता है। सेम वो जब यहाँ ज़्यादा डिफरेंट लगता है, सो आप उसे अच्छे से स्विडल करो। अगर गर्मी है तो उसे कॉटन के कपड़े से करो, ठंड है तो आप उसे सॉफ्ट से ब्लैंकेट में कर सकते हो। उससे क्या है, उसे बच्चा बहुत कोजी सा फील करता है और वो बहुत कंफर्टेबल हो के सो जाता है और इससे रिलैक्स भी करता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता नहीं है। तीसरा, आप कर सकते हो बच्चे की पोजीशन चेंज कर सकते हो। कई बार बच्चे पोजीशन की वजह से भी रोते हैं, तो आप उन्हें स्टमक पोजीशन पे भी सुला सकते हो, क्योंकि इनिशियल मंथ में बच्चे अपने आप टर्न नहीं होते हैं, तो आप उन्हें वो कर सकते हो, उनकी पोजीशन इधर उधर चेंज करके देख सकते हो बच्चा रो तो नहीं रहा है। चौथा, आप उन्हें शकिंग कर सकते हो, लाइक अगर जैसे कि मैं बेसिकली इसे प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसे पेसीफायर दे सकते हो, या फिर उससे आप थम शकिंग की आदत है तो आप वो करवा सकते हो। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, एकदम क्रैंकी सा हो रहा है, आपसे नहीं संभल रहा है, तो आप उसे ये दे सकते हो। पांचवा, आप उसे थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक दे सकते हो, थोड़ा सा ऐसे थपकी दे सकते हो जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा उसे रॉक कर सकते हो जिससे तभी बच्चा बहुत रिलैक्स होकर सो जाता है। और आप उसे थोड़ा सा म्यूज़िक सुना सकते हो, क्योंकि जब मम्मीज प्रेग्नेंट होती हैं तभी वो बहुत सारी मम्मीज होती हैं जो म्यूज़िक सुनती हैं, तो वो भी बेबी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो आप ये कर सकते हो अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो उसे रिलैक्स कर सकता है। चौथा कारण होता है कि बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये आपकी जब बेबी बॉर्न होता है और 1 ईयर तक ये प्रॉब्लम रहती है, इवन उसके आगे भी रहती है, बट तब तो बेबी थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में बच्चे नहीं बता पाते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्हें बेसिकली हो सकता है कि गैस की प्रॉब्लम हो रही हो। अगर वो ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं तो बहुत टाइम होता है कि वो बहुत शक करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर उनके स्टमक में चली जाती है। अगर वो बॉटल फीड करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर उनके स्टमक में जाती है, जिसकी वजह से उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सिक्स मंथ के बाद जब हम बेबीज़ को सॉलिड शुरू कर देते हैं तब भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई हैवी फूड हो गया हो जो वो डाइजेस्ट ना कर पा रहे हों, सो उनको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके स्टमक में मोशन वाइज हल्की सी मसाज कर सकते हो, थोड़ा सा हींग उनके पेट में रख सकते हो, जिसकी वजह से वो गैस रिलीज़ हो जाएगी और वो बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। पांचवा कारण क्या हो सकता है कि इंटरवल में आप फीड कराओ उन्हें, बहुत ज़्यादा गैप मत रखो। अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आप उसे उठाकर हर 2-2 घंटे में फीड कराओ, अगर बड़ा है तो 2-3 घंटे में आप उसे सॉलिड शुरू कर चुके हो, तो उस तरह से उसे स्नैक्स और मील प्लान करो, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंटरवल, बहुत ज़्यादा गैप ना हो, और उसे हर इंटरवल में छोटी छोटी मील दो, और हर मील के बाद कोशिश करो कि उसे बर्प दो, जिससे कि उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा रिलैक्स रहेगा। तो ये सारे कारण और सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से आप अपने बच्चे को हैप्पी कर सकते हो, उसे रिलैक्स कर सकते हो। ये सारे कारण हैं जो मैंने भी अपनी बेबी की 17 मंथ की जर्नी में फील किए,
सो ये एक्सपीरियंस मेरा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया. होपफुल आपको ये हेल्पफुल लगा होगा. सो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मम्मीज़ के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.